Student, today, uh, we will study about the addressing mode of uh, 8096 microcontroller. So, in 8096 microcontroller, there are six addressing modes in 8096 microcontroller. These are the six addressing modes which are available in 8096 microcontroller, and these six are addressing mode is known as immediate addressing mode, uh, register direct addressing mode. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट विथ ऑटो इंक्रीमेंट मोड शॉर्ट इंडेक्स मोड एंड लॉन्ग इंडेक्सड मोडर सिक्स एड्रेसिंग मोड्स विच ऑफर्स द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ एट जीरो नाइन सिक्स माइक्रो कंट्रोलर तो आप ये कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ एड्रेसिंग मोड तो आपको आइडिया है ही क्या हम ऐट जीरो फाइव वर माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या होता है एड्रेस करना ठीक है ना ऑपरेंट को इंस्ट्रक्शन सेट में ऑपरेंट ऑपरेंट फील्ड में डाटा को एड्रेस करने के जो तरीके हैं दो नंबर ऑफ वेज आर नोन एज द एड्रेसिंग मोड मतलब डाटा को एड्रेस फील्ड में रिप्रेंट करने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं एड्रेसिंग मोड है ना तो ये छह तरीके हैं इमीडिएट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जल्द जल्दी हम क्या करते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या करते हैं हम लोग ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है इमिडिएटिंग एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट डाटा को ही एड्रेसिंग हम लोग ओपन फील्ड में लिख देते हैं यदि डायरेक्ट डाटा को ही ओपन फील्ड में लिख दें तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाता है जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है एड ए एक्स कॉमा हैज फिफ्टी एच जस्ट लाइक एड जीरो फाइव बन माइक कंट्रोलर है ना तो ये फिफ्टी एच कहाँ पर चलेगा ए एक्स में ऐसे पोस्ट पोस्ट इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू राइट द डाटा ऑन द स्टैक इंस्ट्रक्शन स्टैक पर डाटा को राइट करने के लिए होता है तो पुश फाइव सिक्स सेवन एट एच है ना तो इफ वी राइट दिस इंस्ट्रक्शन ये टू गलत है इट इज नॉट अ अ मिस्टेक ये टू नहीं है है ना ओनली फिफ सिक्स सेवन एट एच है तो सिक्सटी में डाटा विल बी राइट ऑन द स्टैक तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो फर्स्ट एड्रेसिंग मोड है इमीडिएट एड्रेसिक बोर्ड इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट डाटा को ही ऑपरेंट फील्ड में हम लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन के ऑपरिन फील्ड में यदि डाटा को ही लिख दें हैश लगा के तो वो एड्रेसिंग मोड कलाता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एक है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट रजिस्टर को ही एड्रेसिंग हम लोग ओपरेंट फील्ड में लिखते हैं ठीक है डाटा जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो डाटा किसी रजिस्टर में होता है उस रजिस्टर को ऑपरेंट फील्ड में लिख देते हैं जैसे ये इंस्ट्रक्शन है इसमें तीन ऑपरेट फील्ड है ए एक्स बी एक्स सी एक्स एक बात आपको बता दें कि एट जीरो नाइन सिक्स माइक्रोकंडलर तीन ऑपरेटिंग फील्ड को भी सपोर्ट करता है तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि बी एक्स प्लस सी एक्स को एड करके जो रिजल्ट है उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा लोड कर देगा ए एक्स में है ना एम यू एल बी एक्स और सी एक्स सी एक्स और बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट बी एक्स में ट्रांसफर होगा या आई एन सी इंक्रीमेंट

तो इमीडिएट एड्रेसिव मोड में डायरेक्ट ओपन फील्ड में डायरेक्ट डाटा लिखा होता है है ना और रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ओपन फील्ड में रजिस्टर लिखा होता है जहाँ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डाटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है है ना जो लोग हम जे भी हम पढ़ चुके हैं तो मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर ओपन फील्ड में हम इनडायरेक्टली देते हैं नॉट डिफाइंड डायरेक्टली बल्कि कैसे देते हैं इनडायरेक्टली तो ये एल डी एक्स कॉमा बी एक्स है एल डी का मतलब होता है लोड मतलब डाटा को ट्रांसफर करने के लिए लोड इंस्ट्रक्शन यू होता है एट जीरो नाइन सिक्स में तो लोड ए एक्स कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट बी एक्स मतलब डाटा मेमोरी से ट्रांसफर होगा ए एक्स में लेकिन मेमोरी किस एड्रेस से जिसका एड्रेस किसके पास होगा बी एक्स के पास तो बी एक्स मेमोरी लोकेशन पर जो एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन से डाटा कहाँ ट्रांसफ़र होगा एक्स में इस इंस्ट्रक्शन में है ना ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ है ऐड ए एल कॉमर बी एल कॉमा सी एक्स तो ये बी एल के डाटा को ऐड करेगा ये बी एल के डाटा को ऐड करेगा किससे मेमोरी लोकेशन से जिसका एड्रेस किसके पास है सी एक्स के पास है ना जिसका एड्रेस किसके पास है सी एक्स के पास हाँ तो ये बी एल और मेमोरी लोकेशन के डाटा ऐड होकर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे ए एल में है ना फिर नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट विथ ऑटो इंक्रीमेंट मोड ये थोड़ा सा ये नया है ये एट जीरो फाइव पर एट जीरो सिक्स में भी था ये इंक्रीमेंट करता है ये डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है पहले तो जो मेमोरी लोकेशन दिया होता है उससे डाटा को ट्रांसफर कर देता है मतलब इनडायरेक्ट और इसमें केवल ये डिफरेंस है कि ये भी मेमोरी लोकेशन से डाटा को ट्रांसफ़र करेगा किसी रजिस्टर में और मेमोरी लोकेशन इनडायरेक्टली दिया होगा इसमें भी जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा प्रीवियस में देखा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखा था ये जस्ट सेम है लेकिन इसमें क्या होता है प्लस ऑपरेशन होने के बाद इंक्रीमेंट हो जाता है जो एड्रेस है जो इनडायरेक्ट एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा इफ सपोज बी एक्स ये बता रहा है लोड ए एक्स कॉमा बी एक्स तो बी एक्स का डाटा बी एक्स में जो एड्रेस है उसका डाटा ए एक्स में ट्रांसफर होएगा ऑटोमेटिकली बी एक्स में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो बी एक्स में यदि टू थाउजेंड एच है तो ऑटोमेटिकली इस ऑपरेशन के बाद बी एक्स में क्या हो जाएगा टू थाउजेंड वन एच हो जाएगा ऐसे ही तो मतलब इसमें ऑपरेशन होने के बाद एड्रेस ऑटोमेटिक वन का इंक्रीमेंट हो जाता है नेक्स्ट है आपका शॉर्ट इंडेक्सड एड्रेसिंग मोड है ना जस्ट ये आपका एट जीरो सिक्स होने पड़ा है रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग मोड वैसे ही है ये शॉर्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है ठीक है इन दिस एड्रेसिंग मोड द एट विट फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन दिलेक्टेड बर्ड वैल्यू इन द रजिस्टर फाइल्स विच कंटेन्स एन एड्रेस तो इसमें क्या होगा अब डाटा का ट्रांसफर कहाँ से होगा बी एक्स में जो एड्रेस होगा उसमें प्लस ट्वेल्व उस ऐड हो जाएगा ये एट पीट एड्रेस ऐड हो जाएगा है ना और जो रियलटेड एड्रेस बनेगा उसमें डाटा उस एड्रेस से डाटा ए एक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा है ना सिंपली इसमें जो एड्रेस सी एक्स में सी एक्स में जो एड्रेस है उसमें प्लस थ्री ऐड हो जाएगा और जो रियलटेड एड्रेस आएगा उसका डाटा उसका डाटा प्लस मल्टीप्लाई uh, हो जाएगा किससे बी के डाटा से और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ए एक्स में ठीक है तो शॉर्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम लोग रिलेटिव एड्रेस भी दे देते हैं सिमिलर लॉन्ग इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है तो शॉर्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में केवल यही डिफरेंस है कि शॉर्ट इंडेक्स में एटविट एड्रेस दिया होता है एटविट जो हम बोले एट फिट फील्ड दी होती है जो ऐड होती है एड्रेस से यहाँ पे सिक्सटीन बिट फील्ड होती है जो ऐड होती है एड्रेस से यहाँ पे मतलब ऊपर वाले एग्जाम्पल में शॉर्ट इंडेक्स में ट्वेल्व है ट्वेल्व इजाइ एट फिट यहाँ पे कितना होगा सिक्सटीन बिट ठीक है मतलब सिक्सटी बिट एड्रेस फील्ड होगी जो ऐड add होगी एड्रेस से इनडायरेक्टली है ना और जो रियल्टी एड्रेस बनेगा वो हमारा एड्रेस होगा ऑपरेट का जिससे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा राइट तो इस तरह से हम लोग हम लोगों ने पढ़े नाइन एट जीरो नाइन सिक्स में कितने एड्रेसिंग मोड होते हैं छः एड्रेसिंग मोड होते हैं इमीडिएट रजिस्टर डायरेक्ट मोड इनडायरेक्ट एड मोड इनडायरेक्ट विथ ऑटो इंक्रीमेंट शॉर्ट इंडेक्स और लॉन्ग इंडेक्स मोड ये छः एड्रेसिंग मोड होते हैं एट जीरो नाइन सिक्स माइक्रो कंट्रोलर